अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 करना है, पेज नंबर 45 पे आपके क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसमें आपने क्या करना है, आपके पास कुछ डेसिमल नंबर्स हैं, आपने इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, फिर बाकी आपने उसी तरह से करना है। देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 0.25 है, ठीक है। ये आपने 0.25 इसी तरह लिखा। अब आपने क्या करना है, पॉइंट को हटा देना है। पॉइंट हटाया, जब पॉइंट को हटाते हैं उसकी जगह क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 1 लिख दिया। अब आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, आप कितने 0 डालेंगे, 2 0 डालेंगे, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास 25/100, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, ऊपर और नीचे ये दोनों किसके टेबल पे जा रहा है, 25 ही के टेबल पे जा रहा है। 25 1 25 होता है और 25 4 जो है वो 100 होता है, तो ये 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यूँ इस तरह सिंपल से, अब ये देखें फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। कटिंग करनी है, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं और डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास 5.04। 5.04 पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह हमने क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है। 1 लिख दें और कितने 0 आएंगे, 2 0 आएंगे। अब ये हमारा क्या बन गया, 5/4/100 बन गया। अब आपने इसकी 2 के टेबल से कटिंग करनी है, ठीक है। ये देखें 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, और ये नीचे हम इसकी भी 2 से कटिंग करते हैं, 2 5 ज़ा 10 और 0 ज़ा। अब दोबारा से कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और 2 25 ज़ा। अब हम दोबारा देखते हैं कि इसकी और इसकी मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 4.33। अब ये देखें यहाँ पे नीचे भी है, अब आप इसको डिवाइड के इस तरह करके लिख दें, डिवाइडेड बाय 0.05, कट पॉइंट करें, हटाएं और नीचे 100 लिखें, सेम स्टेप्स हैं सब के, ठीक है। 43/100। अब डिवाइड का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेम सेम की कटिंग हो गई। अब 4/33/5 हमारा आंसर है, क्यों, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद है हमारे पास 1.244। इसको भी आपने इसी तरह करना है, ठीक है, डिवाइड में कन्वर्ट कर दें, यूं करके लिख दें। अब इसके बाद आपने इनके पॉइंट्स हटाने हैं, देखें ये आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटाएंगे 1 आ जाएगा, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास कितने 0 लग जाएंगे, 4 0 लग जाएंगे, डिवाइडेड बाय, अब ये 12 लिखा जाएगा, 1 और कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि डिवाइड का साइन आपने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हमने कन्वर्ट किया, तो ये हो जाएगा यूँ और ये हो जाएगा यहाँ पे 3, ये 1000 आ जाएगा और ये 12, ठीक है। 3 0 3 0 से कैंसिल हो गए। अब 1 2 1 4/10 मल्टीप्लाई बाय 12, आप इसकी 2 के टेबल से कटिंग कर दें, 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 0 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और ये हो जाएगा 2 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 0 इसी तरह आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12। और अब हमारी मज़ीद कटिंग होती है 2 के टेबल से, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 0 इस तरह आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, क्योंकि इकट्ठे डिजिट उतारें, और 2 5 ज़ा 10, तो अब हमारा आंसर आ गया 5 0 6/5, ये हमारा आंसर है। थैंक यू। और बाकी क्वेश्चन आपने इसी तरह करने हैं।